पिछले काफ़ी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि डिलिमिटेशन कमीशन के कार्यकाल को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उसको लेकर अब जो डिलिमिटेशन कमीशन का कार्यकाल है उसे 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले मैं बात करूं तो डिलिमिटेशन कमीशन की को एक पिछले वर्ष मार्च 2021 में 1 साल के एक्सटेंशन की जो है वो दी गई थी, लेकिन अभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन को एक और एक्सटेंशन जो है वो मिल सकता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो डिलिमिटेशन कमीशन का जो गठन किया गया था वो जब स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का अगस्त 2019 में, उस समय जब रिवोक किया गया उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया, तो उसको लेकर ही इलेक्शंस हों इसको लेकर भी लोग काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी डिलिमिटेशन कमीशन के कार्यकाल को जो 2 महीने के लिए है वो एक्सटेंड किया गया। इससे पहले मैं बात करूं तो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट 5 एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर की गई। उन 5 एसोसिएट मेंबर्स के साथ डिलिमिटेशन कमीशन के शेयर करने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बवाल देखने को मिला है। अलग अलग राजनीतिक नेताओं की मैं बात करूं, आम लोगों की मैं बात करूं, तो काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो लोगों में भी देखने को मिला है। चाहे अगर मैं बात करूं तो लोकसभा क्षेत्र में जो रजौरी पुंछ है उसके एरिया को अनंतनाग के साथ जोड़ने की बात की जाए और सुचेतगढ़ की सीट को डिसॉल्व करने की बात की जाए, ये सब बातें जो कुछ अंश थे जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के वो लोगों के सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसपुरा के जो नेता हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो देखने को मिला है कि आखिर किस बिना पे और किस तरीके से सीटों को मर्ज किया गया। एक रोज़ जो है वो प्रदर्शन जो है डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर वो देखने को मिला है, और उसको लेकर ही ये कहा जा रहा था कि 14 फरवरी के बाद इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को जो उसका कार्यकाल है उसे एक एक्सटेंशन जो है वो मिल सकता है, तो उसी को लेकर जो खबर अभी सामने आ रही है अब डिलिमिटेशन कमीशन के जो कार्यकाल है उसे 2 महीने का एक्सटेंशन जो है वो मिल चुका है। इससे पहले भी 1 साल का एक्सटेंशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को मिला था मार्च 2021 में, जिस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की जो मीटिंग थी उसको बॉयकॉट किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने उसके बाद जो मीटिंग हुई डिलिमिटेशन कमीशन में उसमें अपना योगदान दिया, उसमें अपनी राय रखी, और उसके बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 5 एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर की। शेयर करने के बाद ये कहा जा रहा था कि लोगों को इंतज़ार भी था कि हो सकता है कि 14 फरवरी के बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट है वो उसको पब्लिक डोमेन में रखेगा, ताकि लोग अपनी असंतुष्टियाँ जो हैं लोगों में, जो भी दिक्कतें हैं लोगों को, जो भी रोष है, जो भी परेशानियां हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर लोग सामने रख सकें। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक देखने को नहीं मिली, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन के कार्यकाल को एक्सटेंशन मिल सकता है, तो उसको लेकर ही अब डिलिमिटेशन कमीशन को 2 महीने का एक्सटेंशन जो है वो मिल चुका है।